begin with the clock. Right. So the first thing is I'll give you a situation. Okay. Now what the situation is like. There are few situations. आप उसको सुनोगे और मुझे बताओगे कि आप उन situations में क्या करोगे. ठीक है. For instance, आप अपने friends के साथ park में खेल रहे हो और वहां पर एक आपके neighbors में neighbors का जो baby है वो भी खेल रहा है. अब आप खेल रहे हो और suddenly आपको उसके रोने की आवाज आती है उस baby के. आप क्या करोगे? यू सी उसको चोट लग गई है, वो तभी रो रहा है, तो आप क्या करोगे? यस परीक्षित. मैम अगर मैम आस पास कोई मैम डॉक्टर मैम कोई बड़ा होगा तो मैम उसके साथ मैम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसके बैंडेज लगाएंगे. ओके, आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उसको बैंडेज लगवाओगे. आप जब ये स्टेप लेना चाहोगे ना, उससे पहले परीक्षित आपके माइंड में कैसे फीलिंग्स होंगे? आप क्या फील कर रहे होंगे उस बेबी के लिए? मैम मुझे अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो बड़ा और वो गिर गया. राइट, तो यू विल बी फीलिंग द पेन ऑफ द चाइल्ड. यस मैम. आप उस बच्चे का पेन फील कर रहे होंगे. यस मैम. राइट, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप कैसे हेल्प कर सको. राइट. यस मैम. So then you further take that step of taking him to the doctor and getting him bandaged. So this feeling, या ये human value जिसमें हम किसी का pain समझते हैं और उनकी help करने की कोशिश करते हैं, this is called as kindness or compassion. Okay, इस human value को या feeling को हम compassion कहते हैं. Now next is, let's say आपकी मम्मा ने आपको milk का glass दिया. ठीक है, आप प्ले कर रहे थे, उन्होंने टेबल पे रखा और आपको कहा मिल्क पी लेना, और आपका ध्यान नहीं गया, आपके हाथ से मिल्क का ग्लास नीचे गिर जाता है और मिल्क पूरा स्पिल हो जाता है. अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? ओके सताक्षी. मैम हम मम्मा को बताएंगे और सॉरी करेंगे. ओके, तो आप मम्मा को सच बताओगे और अपोलोजाइज करोगे कि आपसे मिस्टेक हो गई. राइट. सो राइट, सो ये ह्यूमन वैल्यू जिसमें हम हर चीज सच बताते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑनेस्टी. हम ऑनेस्ट हैं. ओके, सो दिस ह्यूमन वैल्यू इज ऑनेस्टी. देन नेक्स्ट इज, आपके फ्रेंड आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट लाता है, आपको ना वो प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं लगा. अब आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? Yash? Okay, Yash doesn't want to answer. Arav wants to answer. Arav? Yes, ma'am. क्या बोलोगे बेटा? फ्रेंड को आपके लिए गिफ्ट लाया है, इतना अच्छा नहीं लगा. मैम हम बोलेंगे अच्छा है. आप बोलोगे अच्छा है, और बाकी सब फ्रेंड्स को क्या बोलोगे? सही था. फ्रेंड्स को ऐसा क्यों? जिससे उसे बुरा ना लगे. राइट, जिससे उसे बुरा ना लगे. तो हम जब किसी को एक्सेप्ट करते हैं या उसकी किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं. तब हम ह्यूमन वैल्यू दिखाते हैं, रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट इज व्हेन यू एक्सेप्ट द अदर पर्सन और द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन. तो अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसे बैड लगेगा, और ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना कि मेरी चॉइस आपकी जैसी हो, क्योंकि जब हम सब अलग हैं तो हमारे चॉइसेस भी अलग हैं. बट इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखना कि कोई आपके लिए किस फीलिंग से, किस इंटेंट से गिफ्ट आया है. तो वो आपका फ्रेंड है, ही केयर्स फॉर यू, ही एडमायर्स यू, एंड सो ही हैज गॉट अ गिफ्ट. सो दिस फीलिंग ऑफ कंसर्न, दिस फीलिंग ऑफ केयर, दिस फीलिंग ऑफ एडमायरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गिफ्ट. तो अगर आप उसको थैंक यू बोलकर कहोगे मुझे अच्छा लगा, और बाकी सबको भी यही बात बोलोगे, तो आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो. अब हमने यहाँ वर्ड सुने, कंपैशन, काइंडनेस, हेल्पफुल होना, या फिर रिस्पेक्टफुल होना, ऑनेस्ट होना, ये सब वैल्यूज होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज. आपके अकॉर्डिंग मॉरल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट आर मॉरल वैल्यूज? परीक्षित. मैम अच्छी आदत, गुड मैनर्स. अच्छे मैनर्स जो हमारे में होने चाहिए. राइट, जो हमारे में होने चाहिए. तो फिर गुड मैनर्स क्या होते हैं?
What do I mean by good manners? Yug, you want to try? Okay, yes. मैम गुड मैनर्स अच्छे मैनर्स होते हैं अच्छे मैनर्स जो हम फॉलो करते हैं अब फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो हमने डाइनिंग एटिकेट्स में टेबल मैनर्स की तो मुझे स्लर्प नहीं करना चाहिए ये तो मॉरल वैल्यू हो गया और जब मैं बैठी हूँ डाइनिंग टेबल पे सबके साथ खा रही हूँ और मैं स्लर्पिंग साउंड नहीं निकालती तो ये मेरी मैनर्स है तो मैनर्स का मीनिंग होता है एक्शन जो आप बिहेवियर उस टाइम कर रहे हो Those are your manners. और moral values होता है कि हमें कैसे behave करना चाहिए वो हमारे लिए एक outline है कि हमें ये सब follow करना है हमें ऐसा human being होना चाहिए But हम क्या करते हैं हम कैसे behave करते हैं वो हमारे manners होते हैं Okay? Now after this, why do you think it is important for us to have moral values या good manners? हमारे लिए क्यों important होता है Zaid, I want you to think and answer this, please. Why it's important for us to have moral values या फिर good manners? क्यों important है? बताइए. क्या होगा अगर आपके manners अच्छे नहीं होंगे तो? क्या होगा सोच? Zaid? हम बैड बन जाएंगे आप बैड बनोगे तो जब आप बैड बन जाओगे तो फिर क्या होगा कोई आपसे बात करना पसंद करेगा आप कोई बात करना पसंद नहीं करेगा तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा बहुत बड़ा तो डेफिनेटली जब हमारे मॉरल वैल्यूज नहीं है हमें अगर हमारे मैनर्स अच्छे नहीं है तो लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे दे विल अवॉइड राइट एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन हमारे सोशल नेटवर्क में लोग बहुत बहुत कम होंगे एंड वी विल नॉट बी हैप्पी अबाउट दैट आल्सो हम हैप्पी भी नहीं होंगे उस चीज से है ना कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा सब हमें इग्नोर कर रहे हैं तो हम सैड ही होंगे और उसके अलावा क्या होगा व्हेन पीपल विल नॉट बी अराउंड यू व्हाट विल हैपन योर कॉन्फिडेंस लेवल विल आल्सो गो डाउन बिकॉज You will not understand what should you do. So, it is going to affect you majorly, definitely, yes. Happiness aapki nahi rahegi, strong relations nahi honge. You will not have anybody as your support system to help you, to guide you. To aap bahut akela akela bhi feel karoge. Okay? So, it's important for us to have good manners, which is why. Ab question ye aata hai ki हमें कैसे क्लैरिटी होती है मैनर्स की या मॉरल वैल्यूज की कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ओके फॉर दैट आई विल जस्ट शेयर अ स्टोरी विद यू जस्ट गिव मी अ मिनट आई विल शेयर द स्क्रीन इफ द नेटवर्क इज फाइन अगर नहीं होगा आई विल नरेट इट आउट देयर Okay, I'll just share the sound. You all can see the screen. Can you just give me a thumbs up if the screen is visible? Yes, is the screen visible? Okay, Arav has given thumbs up. Right. Let's listen to the story. Ramu was in a hurry. He was walking through a farm. I have earned enough money for my mother's treatment. The moment I reach my village, I will start treatment for her. At the same time, two friends were walking behind Ramu. Hey Ganesh, what are you thinking? Hurry up! No, Chan. I was thinking of... Hey, look! The fellow who is walking before us has dropped a bag. Come, let's see what it is. Hey, it's heavy. Let's see what's inside. Oh my God! Cash! Is it? The man seems to be unaware of it. Let us take it for ourselves. Chan, what are you saying? It's not ours. We have to return it to him. Okay, whose decision do you think is going to be correct?
गणेश का डिसीजन कि हमें वापस कर देना चाहिए वो ठीक कह रहा है या चांद ठीक कह रहा है कि हमें ये पैसे रखने चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर. हादिन अनम्यूट. यस मैम. कौन ठीक बात कर रहा है बेटा, गणेश कि हमें पैसे वापस कर देने चाहिए या चांद कि हमें पैसे रख लेने चाहिए? मैम गणेश. वो रख सकते हैं, कोई देख तो ना रहा है. चांद ठीक भी तो कह रहा है कि रामू को पैसे और कोई देख भी नहीं रहा तो रख लेते हैं, क्यों नहीं? मैम क्योंकि मैम वो चीज उसकी है. Anyone else wants to add on anything to it? Okay, Harinder. Ganesh theek keh raha hai. Okay. Ganesh theek keh raha hai. Right. तो जब हम ये सोचते हैं ना कोई हमें नहीं देख रहा, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो खुद को देख रहे हैं ना गलत काम करते हुए, हमारी भी तो टू आईज हैं. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग टू आईज व्हेन वी से आर ऑलवेज वाचिंग यू इट्स यू आल्सो, है ना? तो क्या आप अपने आप को कभी चोर बुलाना पसंद करोगे? क्योंकि ये तो स्टीलिंग ही है, बिना किसी से पूछे हम किसी की भी चीज लेते हैं वो तो स्टील करना ही होता है. तो क्या स्टीलिंग करना आप अपने आप को कहोगे कि हाँ मैं चोर हूं, आप कहना पसंद करोगे? नहीं. तो इसलिए चांद जो डिसीजन ले रहा था कि हमें पैसे वापस करने चाहिए वो करेक्ट डिसीजन था. ओके नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द स्टोरी फर्दर व्हाट हैपेंड. ओ गणेश लेट्स टेक इट. नो चांद, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट. वी हैव टू रिटर्न इट टू हिम. हु नोस, इट माइट बी फॉर सम इंपॉर्टेंट पर्पस. गणेश Listen! Ganesh walked ahead and called out. Sir, I think this bag belongs to you. Yes, it's mine. Oh, I missed it. How did I miss it? Thank you. Do not mention, sir. You do not know how much you have helped me. This money is for my mother's treatment. Oh God, I can't even think what would have happened to her if you had not returned it to me. I am really thankful to you. You carry on, sir. Let your mother get well soon. Bye, friends. Come, let's go, Chan. Ganesh, I was about to do a great mistake. You saved me from it. Now I learn the real joy of doing the right thing. Right, so this was the story. Now in this story, when you all said कि गणेश का decision ठीक था कि हमें वापस करना चाहिए, आपने सुना गणेश ने एक line और बोला कि क्या पता उसको जरूरत हो इसकी और ये उसके है, हमारे नहीं है, ये wrong है, right? तो आपको feeling आया कि गणेश को clarity था कि मेरे लिए क्या right है और क्या wrong है. Stealing wrong है, returning right है. गणेश को ये sense था. Give me a thumbs up if you think he was clear with what is right and what is wrong. Okay, Lucky is giving me thumbs up. Yash is giving me a thumbs up. Arav is giving me a thumbs up. Okay, Harinder, Rudra, Maria, Ishan, Satakshi. Okay. And now just think and let me know ki kya Chand ko clarity thi ki kya right hai ya kya wrong hai. If yes, give me a thumbs up. If no, give me a thumbs down. Kya Chand ko ye clarity thi? Okay, yes says no, Arav says no, Satakshi says no, Maria says no, Rudra says no, Harinder says no, Manasvi says no. Okay, you know why we get that clarity? We get that clarity from a stupid line. And you know what is the stupid line? The stupid line is this boundary. Is boundary ke niche hamare jo bhi behaviors hain wo allowed hain, hum wo kar sakte hain. Okay, so allowed. इस बाउंड्री के बाहर जो भी बिहेवियर्स हैं वो अलाउड नहीं होते, हम नहीं कर सकते. तो अब मैं अगर स्टीलिंग कहूं तो स्टीलिंग आप क्या करोगे? आप लाइन के ऊपर दोगे तो थम्स अप, आप लाइन के नीचे दोगे तो थम्स डाउन. थम्स अप मींस कि ये अलाउड जो है नहीं है, थम्स डाउन यहाँ पर मींस कि अलाउड है. तो चोरी कहाँ है? चोरी लाइन के ऊपर डालोगे या नीचे, अप या डाउन?
बताओ स्टील करना अलाउड है? सोचो, चोरी करना स्टूपिड लाइन के नीचे इज अलाउड, ऊपर नॉट अलाउड. तो स्टीलिंग कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? अगर ऊपर जाएगा तो गिव मी थम्स अप, नीचे जाएगा तो गिव मी थम्स डाउन. ओके, सताक्षी गिव्स अ थम्स अप. गणेश, स्टीलिंग अलाउड है, चोरी करना अलाउड है? बेटा यू गिविंग मी थम्स डाउन, यानी कि लाइन के नीचे है वो. ओके, सताक्षी, आई वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ वंस. यस मैम. ओके सताक्षी, वेयर विल यू पुट स्टीलिंग, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे? अलाउड या नॉट अलाउड? के ऊपर. लाइन के ऊपर, क्योंकि वो अलाउड नहीं है. क्या कोई और बिहेवियर आप सोच सकते हो जो अलाउड नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, लाइन के ऊपर होना चाहिए? मैम, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, वो लाइन के ऊपर है. राइट, यानी कि उसका ऑपोजिट रिस्पेक्ट करना अलाउड है, वो लाइन के नीचे है. मैम यस. ओके ग्रेट सताक्षी, सो यस, रिस्पेक्टिंग पीपल अलाउड, डिसरिस्पेक्टिंग पीपल नॉट अलाउड. और कोई बिहेवियर, व्हाट अबाउट जंक फूड, ईटिंग जंक फूड एवरी डे, अलाउड या नॉट अलाउड? दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, बताइए. ओके सो इट्स नॉट अलाउड, सो यानी कि वो स्टूपिड लाइन के ऊपर रहेगा, राइट? ओके देन नेक्स्ट इज, लेट्स से व्हेन यू आर फाइटिंग, तो वो स्टूपिड लाइन के ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नॉट अलाउड या अलाउड? ओके गणेश गिव्स अ थम्स अप, नॉट अलाउड. ओके ही वांट्स टू स्पीक समथिंग. गणेश प्लीज अनम्यूट. मारिया, आप बेटा उल्टा बता रहे हो, लाइन के ऊपर जा रहा है तो थम्स अप होगा उस सेंस में. Yes, Ganesh, you want to say something? Mom, yes. Yeah, please go ahead. Mom, उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए. Right, लड़ाई. तो hitting and fighting. Hitting and fighting, stupid line के ऊपर, not allowed. Right? और हम किसी से आराम से बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग, लाइन के नीचे, दैट्स अलाउड. राइट गणेश, ग्रेट. ओके नाउ व्हाट अबाउट द बिहेवियर्स लाइक वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, उसको कहाँ डालोगी, स्टिपल लाइन में अलाउड, लाइन के नीचे, या नॉट अलाउड, लाइन के ऊपर? ओके सताक्षी गिव्स अ थम्स अप कि नॉट अलाउड, ऊपर आएगा लाइन के. आरव गिव्स अ थम्स अप, यश गिव्स अ थम्स अप, राइट, ग्रेट, सो इट्स नॉट अलाउड. Okay, Maria gives a thumbs up. Ganesh, great. Can anyone think of any situation now wherein you followed certain behavior which was not allowed? Ya aapne koi aisa scene dekha ho apne life mein, koi situation aap share karna chahoge, which could be related to hitting, which could be related to argument or fight or stealing, ya jaise exam time चीटिंग होता है, सो योर फ्रेंड वॉन्ट्स कि मुझे चीटिंग करनी है, मुझे चीटिंग कराओ. कोई ऐसा इंसिडेंट है आपके पास दैट यू वुड लाइक टू शेयर द बिहेवियर व्हिच इज नॉट अलाउड? ओके सताक्षी. मैम, जब हम खेल रहे होते हैं तो मैम खेलते वक्त बच्चे लोग चीटिंग करते हैं. हाँ, तो वो अलाउड होता है, होना चाहिए? मैम नो. ओके फिर सताक्षी क्या करती है? आप चीटिंग नहीं करते, बट लेट्स से बाकी बच्चे कर रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? मैम उन्हें बताएंगे. ओके उनसे बोलोगे कि फेयर प्ले करते हैं, लेट्स नॉट चीट, क्योंकि गेम है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, राइट? बट अगर वो तब भी नहीं चेंज करें, फिर वो तब भी कंटिन्यू करते रहे, फिर क्या करोगे? फिर प्ले करोगे या उनको वार्निंग दे दो क्योंकि आपने चीटिंग नहीं स्टॉप किया, तो फिर मैं नहीं खेलूंगी क्योंकि मैं प्ले करने आई हूँ?
मैम वार्निंग वार्निंग दोगे ओके राइट ओके एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर द इंसिडेंट्स ओके यश मैम हमारा ब्रदर हर गेम में चीटिंग करता है जब उसके साथ कोई गेम खेलते हैं तो सो देन व्हाट डू यू डू मैम हम उसको मना करते हैं बट वो मानता नहीं ओके फिर उसके बाद क्या करते हो हम उसको वही कह देते हैं कि अब हम खेलेंगे ओके सो यू टेक द डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग ओके आरव मैम हमारी दीदी की क्लास में एक बच्चे ने एक कार्डबोर्ड था वो कार्डबोर्ड पे एक पेपर था तो कार्डबोर्ड चुरा लिया और जब पेपर था उस पे एक पेपर चिपका दिया पीछे नाम लिखा था इसलिए दीदी ने पहचान लिया ओके और फिर जो जिसने कार्डबोर्ड चुराया था वो कह रहा था कि नहीं ये कार्डबोर्ड मेरा है ओके राइट लेकिन मैम फिर उसने दिया नहीं ओके ओके परीक्षित यस मैम वो हमें गलती से हो गया था ओके तो अब जब हमें क्लैरिटी होती है ना स्टूपिड लाइन की कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है तो लेट्स से मुझे पता है कि चोरी करना अलाउड नहीं है ठीक है तो अब मैं अगर किसी का कोई एक्सपेंसिव सा अच्छा सा पेन या पेंसिल गिरा हुआ देखूं और देखूं कोई भी नहीं है और मैं रख लूं तो पता है क्या होता है मेरी स्टूपिड लाइन ना कंफ्यूज हो जाती है जैसे चांद की थी वो सोचती है कि कभी तो ये कहता है स्टीलिंग नॉट अलाउड है कभी ये स्टील कर रहा है कभी ये कहते हैं कि हिटिंग नॉट अलाउड है कभी ये हिट कर रहा है कभी ये कहते हैं चीटिंग नॉट अलाउड है कभी ये कर रहा है तो मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं तो अगर हमें अपनी स्टूपिड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो चीज हम कहते हैं नॉट अलाउड है उसे हमें नॉट अलाउड में फॉलो करना पड़ता है ओके ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा कंफ्यूज ना हो क्योंकि अगर हम कंफ्यूज होंगे तो हमारी जो चॉइस होगी वो भी तो रॉन्ग हो जाएगी ना बैड चॉइस हो जाएगी क्योंकि हम वो पेन चुरा लेंगे तो हम चोर तो बन गए तो वो रॉन्ग चॉइस हुई ना बट अगर मैं अपनी स्टूपिड लाइन को फॉलो करूं कि नहीं स्टीलिंग अलाउड नहीं है और वो पेन जो गिरा हुआ है वो मैं जाके मैम को दे दूं कि मैम आई फाउंड दिस पेन इन द क्लास इट बिलोंग्स टू समबडी सो आप दे देना तो वो देखो मेरा चॉइस गुड हुआ या नहीं मेरा डिसीजन ठीक था या नहीं तो जब हमें हमारी स्टूपिड लाइन की क्लैरिटी होती है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है और जब हम उसे फॉलो भी करते हैं तो जो हमारी चॉइसेस है ना वो गुड या बैड हो जाती है नाउ एनी वन ऑफ यू डू यू हैव एनी इंसिडेंट्स जहां पे आप थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में थे और आपने वहां पे गुड चॉइस ऑप्ट किया ना कि बैड चॉइस एनीवन हैज एनी इंसिडेंट्स टू शेयर वेयर इन योर चॉइस वाज गुड बिकॉज यू फॉलोड योर स्टूपिड लाइन ओके We have Satakshi. I want others also to come up. Lucky, I did not hear anything. Rudra, Ishan, Mari, I did not hear anything. Yug, Soumya, Krisha just entered. Okay. Yes, Satakshi. मैम एक बार जब मैं क्लास में थी तो मैम मुझे एक रबड़ गिरी हुई मिली तो मैम मुझे वो बहुत दिन से चाहिए थी तो मैम वो मैंने दी नहीं साइड में रख दी ताकि मैम मुझे कैसे देखिए किसकी है ओके तो मैम मैंने तो ली नहीं थी फिर आपने ली नहीं थी आपने दे दी थी साइड में रख दी थी एज यू सेड ओके सो दैट वाज अ गुड चॉइस दैट यू मेड मैम यस सो ये गुड चॉइस से आपके मैनर्स भी दिखे थे सताक्षी और आपके मॉरल वैल्यू भी राइट स्टीलिंग अलाउड नहीं है राइट ग्रेट एग्जांपल दिया एंड इट वाज गुड यू ऑनेस्टली स्टेटेड इट एज वेल दैट्स अमेजिंग यस यश मैम हमें भी एक स्टूडेंट की पेंसिल मिली थी वो उसके पास के नीचे रखी थी तो फिर हम जब क्लास के बाहर गए तो फिर वो हमको मिला और हमने उसको दे दी
Okay, that's nice. Again, a good choice. So this depicted the manners again of Yash, showing that, okay, he found something and he gave it back to his friend. So he was so caring to return it back. And stealing bhi usne nahi ki, because usko stupid line ki clarity thi, to uska the choice tha, wo bhi eventually good choice mein convert ho gaya. Okay, anyone else wants to share any situation about the choices that you've made? It can be related to anything. Cheating bhi ho sakti hai, fight se related ho sakta hai, kisi se arguments related ho sakta hai. It can be related to any scenario, not only about stealing. Aur bhi aap kuch soch sakte ho. Okay, Parikshit. मम्मी एक बार मैम मुझे ना मैम एक बच्चे का मैम पेन मिला मैम पेंसिल मिली थी तो मैंने उसको मैम टीचर को दे दिया तो मैंने उनसे कह दिया था अगर मैम वो बच्चा कल आए तो आप उसको वो दे देना. ओके ओके फाइन सिताक्षी आई रेडी. Okay, anyone else who would like to share? No incidents. Kabhi kisi se aapka fight hua ho, ya aapne kisi ko fight dekha ho, kisi ka fight, and then you saw something good happening, kisi ne good choice liya ho usme. Maybe aapne sirf dekha hai, aap uska part nahi ho. Aap aisa bhi koi incident share kar sakte ho. Okay, Rudra. मैम मैंने देखी थी मैम okay. मैम हमारे फ्रेंड्स लड़ाई कर रहे थे तो मैंने कहा था लड़ाई नहीं करते. ओके फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहीं आपको तो नहीं मारना शुरू कर दिया? कैसे बोला मुझे रोकने को? मैंने कहा कि ठीक है, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं कर रहे लड़ाई, फिर वो मैम फ्रेंड बन गए. ओके सो इट वाज अ गुड चॉइस कि आपने उनको समझाना इम्पोर्टेंट समझा. And the best part was that they still heard you. So which means उन्होंने भी आगे good choice ही किया कि हाँ हमें ये wrong step नहीं लेना चाहिए. So आपका भी choice good था and your friends also made it good. वो पहले wrong थे, पहले वो bad choice कर रहे थे, but eventually it shifted, which is again nice. Anyone else who wants to share? Okay. I'll just share a small video with you on choices. Just give me a minute. Okay. So it says you make choices every day. You help people or you hurt. That's a choice. You bring joy. आप किसी को happy करो या sad करो and bring in tears. That's again a choice that you make. And you forgive and you not or you not care. कि आप किसी को माफी दे दो या indifferent हो जाओ. That's again your choice. So every day we make choices. So when this girl fall down, what did this boy do? He started laughing. Do you think it was a good choice? If yes, give me a thumbs up. If no, give me a thumbs down. Is it a good choice ki koi gir jata hai to hum hansna shuru kar de? Okay, Yash says no. What about others? So maine kya kara? Ye 8 minute tak kehti hai main wait karte hain. To 8 minute ke baad mere se isne pucha. Okay. All right, Arif says no, Lucky says no. Okay, ab aage dekhte hain what happens. And now what happened is, this yellow boy, he asked the girl, ki aap gire the, are you fine? Are you hurt? You need some help? So is this a good choice or a bad choice? Good choice is thumbs up, bad choice is thumbs down.
So asking for help if the person needs, okay, Arif says it's a good choice. Okay, Harinder says it's a good choice. Ishan says it's a good choice. All right. Right. Now let's watch further. Now this boy who asked about him, her, now he fails. और girl क्या करती है? वो उससे पूछने के बजाय कि आप hurt तो नहीं हुए, वो हंसती है. Again a bad choice. So there's a line written there. Will you treat others the way you have been treated? तो अगर किसी ने आपका मजाक उड़ाया था पहले, तो क्या आपको भी मजाक उड़ाना चाहिए? Yes, thumbs up. No, thumbs down. या किसी ने आपको tease करा, तो क्या आपको किसी को tease करना चाहिए? करना चाहिए यश, करना चाहिए. मतलब कोई आपको परेशान करे तो आपको परेशान करना चाहिए? नो पे इट्स अ थम्स डाउन बेटे, नॉट अप. ओके, राइट, नहीं करना चाहिए. सो इवन इफ समबडी इज ट्रीटिंग बैडली, डोंट बिकम दैट पर्सन. आप वो मत करिए, क्योंकि आप वो नहीं हो, यू आर योरसेल्फ. ओके, सो यू मे डिस्टेंस, आप पीछे हो सकते हो, बट आप उसके जैसे नहीं बन सकते. So what's the deeper message here? The deeper message is, जैसे आप लोगों को चाहोगे वो आपको आपके साथ बिहेव करे या आपको ट्रीट करे, आपको भी वैसा ही करना चाहिए. Do unto others what you want others to do to you. So that's the lesson and that's the choice. तो जब हम good choices देते हैं, इसका मतलब है कि हम भी happy हैं और बाकी सब भी happy हैं. So what choice you make will depend on how you want others to be with you. So, अगर आप चाहोगे सब आपके साथ अच्छे हों, सब आपसे nicely treat करें, अच्छे से behave करें, तो पहले start आपको करना पड़ेगा. Okay? And with this, the topic for today ends. The topic was your moral values, manners and choices. And I'll just share the homework with you. So, you have to read. Just a second. Read page number 66 from your book and do page 70, 76 and 77 of your book. So I'll just read it again. Do read page number 66 and do page number 70, 76 and 77 of your book. Okay, so with this, we wind up with today's session. Meet you again next in the next class. Have a wonderful day. Bye.